और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहित में एक और अभिनव पहल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिलने वाले उपहारों की नीलामी होगी और जनहित कार्यों में होगा नीलामी से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे को निर्देश दिए कि उपहार की कीमत का मूल्यांकन करके नीलामी की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिले उपहारों की नीलामी होगी और सीएम धामी ने सचिव विनय शंकर पांडे को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नीलामी में मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं और कहा कि उन्हें जो उपहार मिलते हैं उनका मूल्यांकन कर नीलामी की जाए, साथ ही उससे आने वाले रुपयों का जनहित के कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। और जन जन को बेहतर उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1376 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसमें से अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को कुल 170 नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नर्सिंग वार्ड बॉय, टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर 11,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि 170 नर्सिंग अधिकारियों की आज हम नियुक्ति कर रहे हैं बागेश्वर जिले के लिए और अल्मोड़ा जिले के लिए, और इन दोनों जिलों में अब 100% लोगों को जो है हमने नियुक्तियाँ दे दी हैं। अब कोई भी नर्सिंग अधिकारी का पद यहाँ रिक्त नहीं है, पूरा बैकलॉग पूरा हो गया है। और इस सत्र में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने 1,000 पद स्वीकृत कर दिए हैं, 1,000 पद जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिए हैं, और इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जितना पैसा चाहे वो पैसा दिया जाएगा और एक अच्छा यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं हम। आगे भी भविष्य में यहाँ पे 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं, यहाँ पे हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, छात्रावास बना रहे हैं, फैकल्टी के लिए आवास बना रहे हैं, बच्चों के लिए आवास बना रहे हैं, और जितने हमारे टेक्निकल सपोर्ट हमारे कार्मिक हैं उनके लिए भी आवास बना रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी बिल को लेकर जनता को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई है। इस 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई इस योजना के तहत 14वें ड्रा में 1500 लोगों के इनाम निकाले गए, जिसमें 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्टवॉच और 500 एयरफोन वितरित किए गए। मार्च महीने में ड्रॉ के तहत कार, बाइक और अन्य इनाम निकाले जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 78,106 बिलों को शामिल किया गया। हम लोगों के सामने जब जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म हुआ था, बंद हुआ था, तो हमारे सामने संकट था कि हम कैसे चलेंगे। तो अनेकों आदमी अपना दिमाग लगाता है, हमने भी दिमाग लगाया, हमारे विभाग ने भी दिमाग लगाया, क्यों ना कि हम ऐसी स्कीम लॉन्च करें कि जनता को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, और इसके आने वाले टाइम पर इसकी जागरूकता बढ़े और लोग बिल लेना स्वाभाविक रूप से शुरू करें। तो ये उससे अभी लाभ मिल रहा है। जो मैंने कहा कि अन्य राज्य इसका फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि केंद्र भी हमें इस रूप में प्रोत्साहित कर रहा है कि उन्होंने भी इसमें इसी प्रकार की लगभग एक स्कीम लॉन्च की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने तमाम अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और आप सभी साथियों का भी, विशेष रूप से आपका, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से इसको बार बार दिखाया है तो जनता में जागरूकता बढ़ी है। एक एक व्यक्ति 60-60, 70-70, 80-80 बिल अपलोड कर रहा है, का मतलब वो इतना उत्साहित है, इतना जागरूक है कि वो लगातार बिल ले रहा है, सामान खरीद रहा है तो बिल ले रहा है, बिल ले रहा है तो हमें जीएसटी मिल। हल्द्वानी में कांग्रेस के सुराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष समेत सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं।
और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास कर किया जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और हर 10 बूथ एक मंडलम बनाया गया है और उस पर एक प्रभारी भी दे रहा है ताकि दो लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें और जितने पदाधिकारी हैं, जैसे जिला कार्यकारिणी के 150 पदाधिकारी हैं, तो वो 150 के 150 लोग अपने अपने जो बूथ हैं जो उनके आस पास के लोग हैं वहाँ पे वो मंडलम प्रभारी बने या मंडलम बने। और साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है ये कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव में, देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक पिता ने अपनी 2 वर्षीय बच्ची की पीट पीट कर हत्या कर दी और जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या आरोपी का नाम आनंद सिंह है और वो फौज में काम, यानी वो फौजी है और फौज से छुट्टी लेकर वो अपने घर आया था। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई कि ये शख्स अक्सर शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी से भी मारपीट करता था। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र में 13 तारीख की घटना है। पति पत्नी जो एक फौज में पति काम करता है मनोज, इसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था, पूर्व में भी इस तरह के विवाद थे। उसमें 2 साल की जो बच्ची थी वो उस झगड़े के कारण जब वो बीच में वहाँ थी तो उसको उसके द्वारा धक्का देकर या जो भी झगड़े के कारण उसको हिट किया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी 3 दिन बाद उसकी 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और परिजन उसको लेकर अपने पैतृक घर चले गए थे। जब ये मामला कल शिकायत लेकर आए तो उसमें 304 धारा में अभियुक्त के खिलाफ उसमें मुकदमा पटेल नगर में दर्ज कर लिया गया। आरबीआई का फर्जी कर्मचारी बनके 35 लाख की ठगी करने वाले आरोपी रविकांत शर्मा को साइबर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है और आरोपी ने 2023 में भीमताल के एक व्यक्ति से 35 लाख की ठगी की। ये मुरैना के रहने वाले हैं और 2014 से फरीदाबाद में ही रह रहे थे। इन्होंने अपने आप को एक आरबीआई का कर्मचारी बताकर एक रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर भीमताल से लगभग 35 लाख रुपए साइबर ठगी कर ली थी, जिसके अंदर इन्होंने कॉल पे बताया उनको कि आपका TDS जो है वो आपका इंश्योरेंस का पैसा अटक चुका है और आपको तो इतना रुपए एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा ताकि आपका पैसा पॉलिसी का पैसा वापस आ जाए। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने उनसे 35 लाख रुपए ठग लिए और इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 1 चेक कैनरा बैंक का आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी टीम ने बरामद किया है। बीते दिनों देहरादून में एक शोभा यात्रा निकली। ये यात्रा निर्धारित समय दोपहर 12:30 से 2:30 बजे के बीच निकली थी, लेकिन ये यात्रा दोपहर 3 बजे निकली और रात 8 बजे पहुंची। मतलब समय उसका कुछ और निर्धारित था लेकिन ये वक्त हुआ जिससे तमाम ट्रैफिक से संबंधित प्लान धराशायी हो गए। ऐसे में लोगों की जमकर फजीहत भी हुई तो पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए, जिसके बाद SSP अजय सिंह ने धार्मिक यात्राओं, शोभा यात्रा और जुलूस की अनुमति को और सख्त कर दिया है। अब धार्मिक यात्राओं, शोभा यात्रा और जुलूस की अनुमति लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखिए, जुलूस और धार्मिक प्रोसेशन बहुत बड़ी संख्या में देहरादून शहर में बढ़ गए हैं और प्रायः जो है कोई ना कोई धर्म आधारित या रिलीजन आधारित कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेशन निकलता रहता है। तो चूंकि इसकी अनुमति प्रशासनिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पास ही रहती है, लेकिन पुलिस की इसमें रिपोर्ट लगती है। तो अब देखा गया है कि लोग अपने जुलूस के समय पर अपने जुलूस को प्रारंभ नहीं करते और पीक टाइम में जुलूस अगर निकलता है या कोई प्रोसेशन निकलता है, सबसे ज़्यादा असुविधा बच्चों को, महिलाओं को और जो आमजन है अपने समय पर नहीं पहुँच पाते। इसको देखते हुए एक प्रोसीजर है कि इसमें ट्रैफिक की जो आख्या लगती है, साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और सर्किल अफसर भी उसको परीक्षण करेंगे और आयोजक से बात करेंगे और यथासंभव ऐसा रूट और समय दें जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा और धार्मिक जो क्रियाकलाप प्रोसेशन है उसमें भी कोई बाधा ना है। तो इसको देखते हुए नया प्रोसेस जो हमारे ऑफिस से जाने के बाद अप्रूवल के बाद इसमें अनुमति। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन जोशी ने कहा 15 जनवरी को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ एक बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कांग्रेस का प्रयास है कि बूथ स्तर पर पार्टी को ज्यादा मजबूत बनाया जाए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो गॉडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनसे हमारा क्या कंपैरिजन है। वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हम विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, हम विकास को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो धर्म के नाम पर आगे बढ़ते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। रोजगार कितना दिया,
पहले भाजपा इस बात का जवाब दी कि उनके महामंत्री का नाम जो महामंत्री संगठन है अंकिता भंडारी के माँ बाप ने लिया है, यौन शोषण में उनका नाम आ रहा है, उसमें बताया ना भाजपा कि उनकी। नगर निगम के नए नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ नगरी ऋषिकेश को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की बात की और आय स्रोत को विकसित कर साफ सफाई के इंतजाम को भी बेहतर बनाने की प्राथमिकता बताया। और ऐसा काम करेंगे कि सफाई में ये जो है जो हमारा रैंकिंग है ये भी सुधरे और शहर की एक अलग ही छवि दिखाई दे। दूसरा हम लोग जो यहाँ मसूरी में टिहरी बाईपास आईडीएच बिल्डिंग के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई जिसमें सवार 5 लोग घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोटें आई हैं, 4 लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिला। ये लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और देहरादून की तरफ जा रहे थे। अभी नरेंद्र नगर के रानी पोखरी बाईपास मोटरमार्ग पे गुजराड़ा के पास एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की जान गई। हादसे के बाद प्रशासन यहां पूरी तरह से एक्टिव और अलर्ट दिखाई दिया। तो ये हमारे मित्र दोनों आगरा खाल से आ रहे थे, अचानक इनकी जो है गाड़ी 6 बजे के आसपास खाई में गिर गई और रात रेस्क्यू में जो है काफी देखा। लेकिन पथरी और लक्सर पुलिस ने चोरी की 21 बाइकों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक चोरी कर दूसरे जिलों में बेचते थे। एसएसपी ने थाना पथरी में बाइक चोरी का खुलासा किया। ऋषिकेश में वन विभाग की लापरवाही से शिवाजी नगर में वन भूमि पर अवैध खनन कर निर्माण के दौरान दीवार ढहने से एक श्रमिक की जान चली गई। 6 महीने पहले डीएम देहरादून के निर्देश पर संबंधित के खिलाफ विभाग ने एक्शन लिया होता तो शायद यह हादसा रुक जाता। ऋषिकेश में चीला मार्ग पे वाहन के ट्रायल के दौरान हुए हादसे में 5 वन कर्मियों समेत 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना को करीब 9 दिन बीत चुके हैं। एसपी पौड़ी जया बलूनी ने बताया कि ट्रायल के दौरान जो वाहन हादसे का शिकार हुआ था उसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए अब वाहन कंपनी को बुलाया जा रहा है। और कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामलों को देखते हुए दून अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मसूरी वन विभाग के वन प्रभाग के अंतर्गत पिछले दिनों गुलदार के हमलों के बाद मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। दरअसल डीएफओ के नेतृत्व में वन प्रभाग के 2 टीमें क्षेत्र के लिए रवाना की गई हैं। घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस में गुलजार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। हरिद्वार पुलिस ने बीते वर्ष से नशे के सौदागरों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम देकर नशे के कारोबार को अब लगाम लगाने की कोशिश की है। 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया। इसके साथ ही 5 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं, एक तो जो आदतन नशा तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक टोटल करीब 10 करोड़ से ऊपर गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने संपत्ति सीजर किया है। साथ ही जो हमारे पिट एनडीपीएस हैं या एनडीपीएस में जो हमारे लोग सम्मिलित हैं और प्रोफेशनली इस वर्क को कर रहे हैं उनके खिलाफ। ऋषिकेश पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम शर्मा के पास से पुलिस ने 250 ग्राम चरस भी बरामद की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।